इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे यूरियस टेस्ट के बारे में, जो कि एक बायोकेमिकल टेस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद आगम सिंह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू हिंदी, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जहां पर आपको ये वीडियो सेम टू सेम इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं यूरियस टेस्ट के साथ। तो यूरियस टेस्ट क्या है? ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि डिफरेंशिएट करता है मेंबर्स ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली को ऑन द बेसिस ऑफ यूरियस प्रोडक्शन। अब सिंपल भाषा में इसको समझें तो क्या होता है कि यूरिया को डिग्रेड करने वाला एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं यूरियस एंजाइम। तो जो बैक्टीरिया यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और यूरिया को डिग्रेड करते हैं तो उनको बोल दिया जाता है यूरियस पॉजिटिव, और जो यूरियस प्रोड्यूस नहीं करते और यूरिया को डिग्रेड नहीं करते हैं उनको बोल दिया जाता है यूरियस नेगेटिव। तो इतना सा टेस्ट है जिसमें यूरियस अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के अंदर तो उसको यूरियस पॉजिटिव बोल देंगे, और जो यूरियस प्रोड्यूस नहीं कर रहा और यूरिया को डिग्रेड नहीं कर रहा तो उसको बोल देंगे यूरियस नेगेटिव। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ कि कैसे यूरियस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सो यूरियस टेस्ट को करने के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है यूरियस अगार बेस, और साथ ही हमको चाहिए होगा 40% यूरिया सॉल्यूशन जो कि यूरियस प्रोडक्शन को इंडिकेट करेगा अपना कलर बदल करके। यूरियस अगार बेस का कंपोजिशन कुछ इस तरह से है, ताकि अगर आपके पास यूरियस अगार बेस ना हो तो आप इन सभी इंग्रेडिएंट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिला करके यूरियस अगार बेस बना सकें। तो चलिए अब सीखते हैं 100 ml यूरियस अगार को बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे 2.4 ग्राम यूरियस अगार और उसको एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम एंटर करा देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे 95 ml डिस्टिल वाटर। इसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हॉट प्लेट के ऊपर उसको बॉईल करेंगे। बॉईल हो जाने के बाद हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में अंडर 15 PSI फॉर 15 मिनट्स। ऑटोक्लेविंग हो जाने के बाद हम मीडिया को ऑटोक्लेव से बाहर निकालेंगे और उसके बाद उसको ठंडा करेंगे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। और ठंडा होने के बाद हम उसमें सावधानी पूर्वक डालेंगे 5 ml स्टेराइल 40% यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि आपको 5 ml का वायल जो यूरिया सॉल्यूशन का है उसके अंदर ऐड करना है, जो कि 40% के यूरिया कंसंट्रेशन के साथ आपके पास होता है। यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपको यूरिया डालने के बाद मीडिया को दोबारा हीट नहीं करना है, क्योंकि यूरिया इजीली डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इनको पोर करेंगे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, और टेस्ट ट्यूब्स को स्लांटेड पोजीशन में रख देंगे सॉलिडिफिकेशन के लिए। सो स्लांट के सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम स्लांट्स को स्ट्रीक करेंगे हमारे माइक्रोबियल कल्चर्स के साथ। तो एक स्लांट को मैं स्ट्रीक करूंगा प्रोटीस वल्गैरिस से और दूसरे को मैं करूंगा इकोलाई से, ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और कौन सा यूरियस नेगेटिव। तो स्ट्रीकिंग के बाद हम जो स्लांट्स हैं उनको करेंगे इनक्यूबेट अंडर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। आफ्टर इनक्यूबेशन आप देखेंगे कि प्रोटीस वल्गैरिस का जो स्लांट है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि जो इकोलाई का स्लांट है वो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि प्रोटीस वल्गैरिस तो यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जबकि इकोलाई यूरियस नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। सो ये था यूरियस टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आता हूँ। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मैं कुछ यूजफुल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।